नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ए बी टेक में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों आज है 14 जून और 14 जून की प्रमुख खबरें क्या हैं वो जान लेते हैं जो आज के सभी समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की इस खबर से। दोस्तों जो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है वो ITI को लेकर के है। ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2019 के जो ऑनलाइन आवेदन हैं इस बार 20 जून से लिए जाने हैं, ठीक है। और यहाँ पर 500,000 से अधिक अभ्यर्थियों को राहत मिलने वाली है। कारण क्या है दोस्तों कि अभी तक जो ITI में प्रवेश होते थे उसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म होते थे वो प्राइवेट कॉलेजों के लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन लिए जाते थे और गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन लिए जाते थे। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या था कि अगर कोई अभ्यर्थी है उसका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया तो फिर प्राइवेट कॉलेजों में उसका एडमिशन लेना पड़ता था और 2 बार फॉर्म भरना पड़ता था और 2 बार उसको फीस पेड करनी पड़ती थी, ठीक है। इसके बाद सारी जो प्रोसेस थी वही सेम थी। तो इस बार राज्य सरकार ने क्या किया है कि सरकारी और गैर सरकारी जितने भी ITI हैं सभी में प्रवेश के लिए एक ही बार आवेदन करना है आपको और इसके लिए जो एडमिशन्स होते हैं वो हाई स्कूल की मेरिट के अनुसार यहाँ पर एडमिशन्स होते हैं। जितनी अच्छी मेरिट होगी उतने ज़्यादा चांसेस है आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के, ठीक है। तो फिलहाल इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया, यहाँ पे आप शेड्यूल दे सकते हैं कि प्रदेश में 300 सरकारी ITI हैं और इनमें 1.23 लाख जो हैं प्रवेश क्षमता है। निजी ITI की बात करें तो 2,939 हैं और इसमें 3.64 लाख अभ्यर्थी प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं, हालांकि ये कंफर्म डेट नहीं है, एक प्रस्तावित डेट है अभी, ठीक है। 20 जून से शुरू होने की उम्मीद है ITI में एडमिशन्स के लिए ऑनलाइन फॉर्म। अंतिम तिथि होगी 14 जुलाई, काउंसलिंग होगी 16 जुलाई, पहली प्रवेश सूची जारी की जाएगी 22 जुलाई को, अंतिम प्रवेश सूची जारी की जाएगी 27 जुलाई को और ये जो पूरी प्रक्रिया है 31 अगस्त तक कंप्लीट कर ली जाएगी, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों की न्यूज है ITI को लेकर के, ठीक है। जैसे कोई इसका पूरा अपडेट आ जाता है, ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाते हैं, तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा और हमारी वेबसाइट पर ये अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं, ये है जूनियर स्कूलों में अनुदेशक शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप जानते हैं कि जूनियर स्कूलों में अनुदेशकों की भर्ती होनी थी और हुई भी है कई जगह, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कई सारे यहाँ पे सब्जेक्ट हैं जो अनुदेशक ही पढ़ाते हैं और अनुदेशक की भर्ती के लिए एक बाध्यता है कि जिस जूनियर स्कूल में मिनिमम 100 अभ्यर्थी होंगे, 100 बच्चे होंगे, वहीं पर ही अनुदेशक की नियुक्ति होती है। तो जितने भी शहरी क्षेत्र में स्कूल हैं वहाँ पर तो 100 का आंकड़ा कभी पार नहीं हो पाता, इस वजह से वहाँ पर अनुदेशक की नियुक्ति भी नहीं हो पाती। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर अनुदेशकों की नियुक्ति है। तो फिलहाल दोस्तों अनुदेशकों की अनुपलब्धता के कारण यहाँ पर जो ऐसे विषय हैं जैसे खेल हो गया, कला हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सब की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कारण क्या है, यही लोग यहाँ पर नियुक्त किए गए, अनुदेशक ही नियुक्त किए गए जो ये सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो ये अपडेट दी गई है कि अनुदेशक बगैर कैसे कंप्यूटर सीखेंगे अभ्यर्थी। तो कंप्यूटर भी है और 2-3 विषय हैं जो अनुदेशक ही पढ़ाते हैं और जब अनुदेशक ही नहीं है तो फिर कैसे इनकी पढ़ाई होगी। अब अगले न्यूज की तरफ चलते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर रूल लागू किया गया है। ये रूल UP SSC यानी अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के या UP SSC को लेकर के, परीक्षा में सेंध लगाई तो 3 साल बर्बाद। अब अगर कोई भी मुन्ना भाई परीक्षा में पकड़ा जाता है तो उसका 3 साल बर्बाद हो जाएगा, वो किसी भी बोर्ड से किसी भी परीक्षा में बैठ नहीं पाएगा। इसके लिए पूरा यहाँ पर प्रावधान बनाए गए, नियम बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर अगर कोई अभ्यर्थी दूसरा परीक्षा देता है तो वास्तविक अभ्यर्थी और मुन्ना भाई दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी, 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा उनको। और ये जो सूचना जितने भी भर्ती बोर्ड हैं, चाहे UPSC हो चाहे UPSC SSC हो, सबके साथ साझा की जाएगी ताकि किसी भी बोर्ड से वो परीक्षा नहीं दे पाएगा। इसलिए और इसके बाद जाली प्रवेश पत्र के जरिए अगर कोई परीक्षा देता है तो उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा
प्रश्न पुस्तिका या ओएमआर सीट की अदला बदली कोई करता है तो उसके लिए प्रावधान है, 2 साल का बैन कर दिया जाएगा उसको सभी परीक्षाओं से। और परीक्षा कक्ष में अगर कोई मोबाइल कैलकुलेटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखता है तो उसको भी बैन कर दिया जाएगा और 1 साल के लिए यहाँ पर बैन किया जाएगा उसको। और आगामी जो भी परीक्षाएँ वो किसी भी भर्ती बोर्ड से हों, कोई भी परीक्षा में वो बैठ नहीं पाएगा ना एग्जाम दे पाएगा। तो दोस्तों ये एक अच्छा नियम है, इस तरह के नियम सभी भर्ती बोर्डों को जरूर से ज़रूर बनाना चाहिए। अब दोस्तों अगली जो न्यूज है वो बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के है। पास व अपेयरिंग के फेर में फिर उलझे छात्र छात्राएँ। दोस्तों जब बीएड के ऑनलाइन फॉर्म आए थे तो वहाँ पर बहुत से अभ्यर्थियों ने अपेयरिंग लिखा था, ठीक है। तो अब वहाँ पर दिक्कत आ रही है क्योंकि जो बीएड होता है वो पास कैंडिडेट के लिए होता है, अपेयरिंग वाले उसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों को दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी के जो नियंत्रक हैं उन्होंने बताया है कि जो अभ्यर्थी अपेयरिंग में थे और उन्होंने अपने फॉर्म में अपेयरिंग भरा है तो अपना संशोधन कर लें और वहाँ पर जो जहाँ पर अपेयरिंग लिखा है वहाँ पर पास्ड लिख दें। तो अगर पास्ड लिख देंगे तो कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पर आप दे सकते हैं, प्रोफेसर कुकरेती ने बताया कि ऐसे सभी अभ्यर्थी अपना स्टेटस पास ही भरें। तो ये लोग मॉडिफाई करके अपना स्टेटस पास भरें, अपीयरिंग वहाँ पर ना भरें तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर काउंसलिंग में नहीं आएगी, ठीक है। वहीं पर पहले चरण की बात करें तो 9,000 स्टूडेंट ने फीस जमा कर दी है और दूसरे चरण में 10,000 कैंडिडेट ने दूसरे चरण के बीएड काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब दोस्तों अगली जो न्यूज है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर है कि हर ब्लॉक में खुलेंगे 2 मॉडल स्कूल। प्रदेश के सभी 822 ब्लॉकों में 2 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रत्येक ब्लॉक में 1 अंग्रेजी और 1 हिंदी माध्यम विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। तो दोस्तों ये एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि अगर प्रत्येक ब्लॉक में 2 मॉडल स्कूल खुलेंगे तो 822 ब्लॉक हैं, 822 ब्लॉक में आप समझ सकते हैं कि 1644 स्कूल खुलेंगे मॉडल स्कूल। ऐसे में बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पर आएगी। अगर एक मॉडल स्कूल में मिनिमम 2 टीचर के भी भर्ती होती है, वैसे तो कम से कम 3 या 4 चाहिए लेकिन अगर 2 के भी भर्ती होती है तब भी यहाँ पर लगभग 3200 के आसपास टीचर के पदों पर भर्ती होना सुनिश्चित है। तो ये आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। वहीं पर दोस्तों आज योगी जी शिक्षा में सुधार का मंत्र देने वाले हैं। यहाँ पर क्या क्या सुधार किए जाएंगे पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को उच्च माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के अधिकारियों को प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था में सुधार का मंत्र देंगे। शुक्रवार 11:30 बजे लोक भवन में उच्च माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी और यहाँ पर जो भी शिक्षा विभाग में कामकाज हैं योजनाएँ हैं उनकी समीक्षा करेंगे और आगामी समय के लिए भी रोड मैप भी देंगे किस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस कार्रवाई होनी है। वहीं पर दोस्तों एक न्यूज़ ये भी है कि जुलाई में 1290 आंगनवाड़ी केंद्रों पर होंगी भर्तियाँ। दोस्तों ये जो न्यूज है मुजफ्फरपुर ज़िले के लिए है। मुजफ्फरपुर ज़िले में 1290 आंगनवाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिका के पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी यहाँ पर। हालांकि इसके लिए नए फॉर्म नहीं लिए जाएंगे, इसके लिए जो फॉर्म है वो ऑलरेडी ले लिए गए हैं और 20 जनवरी को इसके लिए जो मेरिट सूची है उसका भी प्रकाशन कर दिया गया था। मेरिट सूची के बाद यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थियों ने आपत्तियाँ दर्ज करी जिसके कारण यहाँ पर बहाली प्रक्रिया रोक दी गई थी और इसके बाद आचार संहिता लागू हुई, इस वजह से भर्तियाँ नहीं हो पाई। अब जुलाई में ये पूरी भर्तियाँ फिर से शुरू होंगी और कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये पूरी अपडेट थी। वहीं पर दोस्तों अगली जो न्यूज है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीआईएस को दिया जाएगा प्रशिक्षण। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती होनी है 2019 में इसके फॉर्म आने ही आने हैं, तो इसके लिए अब जुलाई से ऑनलाइन अधियाचन लिए जाएंगे, ठीक है। तो उसी कड़ी के चलते यहाँ पर जितने भी DIOS हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरीके से आपको अधियाचन यहाँ पर भेजना है, किस तरीके से जो नया सॉफ्टवेयर बनाया गया है उस पर काम करना है। और इसका जो प्रशिक्षण है ये यहाँ पर 17 जून से शुरू हो रहा है। 17 जून को आगरा प्रयागराज व गोरखपुर मंडल से प्रशिक्षण शुरू होगा
और पूरा जो प्रशिक्षण है 22 जून तक ये चलेगा। 22 जून तक प्रशिक्षण होने के बाद यहाँ पे जो भी ऑपरेटर हैं वो सब सीख जाएंगे। उसके बाद 1 जुलाई से ऑनलाइन अधिवेशन लिए जाएंगे। अगर 1 जुलाई से ऑनलाइन अधिवेशन लिए जाते तो ये मांग चलिए आप वैकेंसी आने में अगस्त या सितंबर आराम से हो सकता है, लेकिन ये आप श्योर रहिए कि 2019 में TGT PGT की वैकेंसी आनी है तो आनी ही है। ठीक है, अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों UPSC ने कल बहुप्रतीक्षित रिजल्ट जारी कर दिया है। PCSJ मेंस का रिजल्ट कल घोषित किया गया था जो कि बहुत ही ज़रूरी था आयोग के। इसमें 1847 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है और यहाँ पर अभी कोई भी कट ऑफ वगैरह मार्क्स नहीं घोषित किए गए। आयोग का कहना है जब ये पूरा भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर कट ऑफ और मार्क्स घोषित किए जाएंगे। इंटरव्यू का जो इसका शेड्यूल है वो 1 हफ्ते का यहाँ पर आयोग की तरफ से टाइम दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंतर्गत इसका पूरा शेड्यूल इंटरव्यू का जारी कर दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए जो टाइम होता है 2 हफ्ते का होता है, लेकिन कोर्ट का मामला चल रहा है, कोर्ट ने आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी ये भर्ती पूरी की जाए, इस वजह से 1 हफ्ते के अंतर्गत इसका इंटरव्यू का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों वहीं पर अगली जो न्यूज है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर के। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की जो भर्ती होनी थी उसको मानव संसाधन विकास मंत्री ने रोक लगा दी है। तो यहाँ पर कहा गया कि शिक्षक भर्ती रुकी तो 25,000 छात्रों को होगा नुकसान। यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुल मिलाकर के इस समय जो छात्र हैं 25,000 छात्र छात्राएं यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ पर अगर शिक्षक भर्ती नहीं हुई तो इन अभ्यर्थियों को टीचर नहीं मिल पाएंगे और इन सभी अभ्यर्थियों का यहाँ पर नुकसान होगा। इसी को लेकर के यहाँ पर पूरी अपडेट दी गई है। वहीं पर दोस्तों अगली जो न्यूज है LT GATE शिक्षक भर्ती को लेकर के है कि यहाँ पर LT GATE शिक्षक भर्ती को शुरू कराने के लिए सत्यापन जो बंद किए गए हैं, 11 जून सत्यापन होने थे, उसके लिए यहाँ पर कल अभ्यर्थियों ने जल सत्याग्रह किया है। संगम में खड़े होकर LT GATE शिक्षक भर्ती पूरी कराने की मांग की है। आज सुभाष चौराहे पर मुख्यमंत्री को लिखेंगे रक्त पत्र। तो यहाँ पर LT GATE में कल संगम पर धरना प्रदर्शन किया गया और अपने आज रक्त से खून से ये लोग मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखेंगे कि जल्द से जल्द LT GATE के सत्यापन शुरू कराए जाएं। तो दोस्तों ये अभ्यर्थी हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बोल रहे हैं जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती हैं तब तक ये लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं पर दोस्तों UPSC में लोक सेवा आयोग में जुलाई से आपको काफ़ी कुछ बदलाव दिखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, जो नए परीक्षा नियंत्रक की इसमें यहाँ पर नियुक्ति होनी है, उसके अलावा यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं उनका भी कार्यकाल लगभग समाप्त हो रहा है और काफ़ी सारे यहाँ पर अधिकारी हैं जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। तो सब ये जो पूरा पैनल है लोक सेवा आयोग का इसमें भर्तियाँ होनी हैं और जुलाई से यहाँ पर काफ़ी सारे नए चेहरे आएंगे और जुलाई से इसकी स्पीड फिर से बढ़ने वाली है। लोक सेवा आयोग की जो पुरानी परीक्षाएं हैं भर्ती परीक्षाएं उनको सबको यहाँ पर आपको 1 जुलाई से कुछ नया देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों ये पूरी अपडेट थी आज के वीडियो की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल निशान जरूर दबा लेना। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली अपडेट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।